क्या आप भी अकेला रहना पसंद करते हो? आपको लगता है कि लोगों के साथ भीड़ भाड़ में रहने से अकेला रहना बेहतर है? तो दोस्त, अगर आप भी अकेला रहना पसंद करते हो ना, तो दोस्त ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अकेले रहने, ज्यादा सोचने और कम बोलने वाले लोगों में क्या खास बातें होती है। तो भाई, अगर आप भी अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हो ना, तो भाई इस वीडियो को कम से कम पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आज ना मैं आपकी क्वालिटीज बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके अंदर क्या क्या अच्छी चीजें हैं अगर आप अकेले रहना पसंद करते हो। तो यार, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई, पहली जो बात होती है ना अकेले रहने वाले लोगों में, वो ये होती है कि अकेले रहने वाले लोग ना ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। मतलब भाई, जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं ना, उनको कभी भी किसी अगले बंदे की साथ की जरूरत नहीं होती। वो कोई भी काम करने के लिए ना कभी भी दूसरों की हेल्प नहीं लेते, क्योंकि इनको दूसरों से ज्यादा खुद पे बिलीव होता है और ये किसी भी काम को अकेला करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्त इनको ये अच्छे से पता होता है कि लाइफ में एट द एंड कोई भी साथ नहीं देता, हमें अपने सारे काम खुद से ही करने पड़ते हैं। तो इसीलिए अकेले रहने वाले बंदे ना कोई काम अकेला ही करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ये कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ब्रेक होने नहीं देते, क्योंकि इनको ना खुद पे पूरा भरोसा होता है और जिस काम में ये लग जाते हैं ना, उसको फिर पूरा करके ही छोड़ते हैं, और वो भी बिना किसी की मदद के, क्योंकि भाई इनको ना खुद पे भरोसा होता है। जो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। तो यार, इसीलिए ना अकेले रहने वाले लोगों को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। दोस्त, दूसरी जो क्वालिटी होती है ना अकेले रहने वाले लोगों में, वो ये होती है कि इनका दिमाग कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव होता है। मतलब भाई, जो लोग ज्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं ना, इनका माइंड ना और लोगों के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव होता है, क्योंकि दोस्त ये लोग जब अकेले रहते हैं ना, तो इनके पास कुछ करने को नहीं होता, तो इसीलिए इनके माइंड में अलग अलग क्रिएटिव थॉट्स आने लगते हैं और फिर ये दिन भर बस उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि भाई इनका फोकस जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये अगर किसी एक चीज पे फोकस कर लेते हैं ना, तो फिर आसानी से वहाँ से अपना फोकस हटाते नहीं है। मतलब जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचने के लिए बैठते हैं ना, ये वहाँ से तभी उठते हैं जब इनकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाती है। और दोस्त, जैसे कि आपको भी पता है कि जो लोग अकेले रहते हैं, उनके पास टाइम की कोई भी कमी नहीं होती, तो इसीलिए ना ये मैक्सिमम टाइम बस अपने गोल के बारे में सोचते रहते हैं। और भाई, ये सिर्फ सोचते नहीं है, बल्कि उसकी पूरी प्लानिंग करके रख देते हैं। इनको पता होता है कि इनको अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें करनी है। तो यार, इसीलिए जो अकेले रहने वाले लोग जो होते हैं ना, उनका माइंड कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव होता है। भाई, अब बात करते हैं तीसरी क्वालिटी की, जो कि सिर्फ अकेले रहने वाले लोगों में होती है। वो ये है कि इनके पास ना कभी भी टाइम की कमी नहीं होती, क्योंकि दोस्त ये तो आपको भी पता है कि जो लोग अकेला रहना पसंद करते हैं ना, वो कभी भी ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। मतलब जैसे बाकी लोग सिर्फ टाइम पास करने की सोचते हैं ना, अकेले रहने वाले लोग कभी भी टाइम पास नहीं करते। भाई, ये है ना, लोगों से फालतू की बातें करना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनको टाइम की इम्पोर्टेंस पता होती है, इनको पता होता है कि टाइम की वैल्यू क्या होती है, तो इसीलिए फालतू का टाइम वेस्ट करने की बजाय अपना पूरा टाइम अपने काम पे लगाते हैं, क्योंकि इनके पास टाइम ना बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्त, अगर आप भी अकेले रहते हो ना, तो आपके पास कभी भी टाइम की कमी नहीं हो सकती। और भाई, अकेले रहने वाले लोगों में सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो होती है ना, वो ये होती है कि इनको दुनिया की कुछ ज्यादा ही समझ होती है, क्योंकि दोस्त जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अकेले रहने वाले लोग जो होते हैं ना, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि दोस्त इनको ये समझ होती है, इनको ये पता होता है कि लाइफ में कभी भी कोई भी बंदा हमारा साथ नहीं देता, लोग बस मतलब के लिए साथ देते हैं। जब तक लोगों का मतलब होता है ना, तब तक वो आपके साथ रहने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब उनका मतलब निकल जाता है ना, तो फिर वो आपके कहीं आसपास भी नहीं दिखते। और दोस्त, ये बात ना अकेले रहने वाले लोगों को अच्छे से पता होती है। और भाई, दूसरी जो समझदारी वाली बात इनके अंदर होती है ना, वो ये होती है कि इनको हमेशा टाइम की वैल्यू पता होती है, तो इसीलिए ना ये कभी भी फालतू लोगों के साथ बकैती मार के अपना टाइम पास नहीं करते, और एक नॉर्मल इंसान की तुलना में ना इनके अंदर समझ कुछ ज्यादा होती है। तो यार, अगर आप भी अकेले रहना पसंद करते हो ना, तो दोस्त बधाई हो, आप भी समझदार हो। तो दोस्त, अगर ये वीडियो पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो भाई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि भाई मैं ना आपके लिए ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो भाई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।